गुड मॉर्निंग क्लास 11, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अकाउंट इक्वेशन। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अकाउंट इक्वेशन, देखते हैं क्या होता है अकाउंट इक्वेशन। चलिए अकाउंट इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं अकाउंट इक्वेशन, उसके बाद भी देख लीजिए। साहब जी कैपिटल, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ये डिस्कस हो रहा था। क्या डिस्कस हुआ था? दिस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये आपका सोर्स है, ये क्या आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां से आ रहा है? अपना पैसा दैट इज कैपिटल, बाहर का पैसा दैट इज लाइबिलिटी। यानी कोई भी संपत्ति आपके पास, तो क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट रखिए, कोई भी संपत्ति आपके पास है उस संपत्ति आपके पैसे से बना होगा या बाहर से कर्ज लेकर बना होगा, राइट। फिर से बात को सुनिए, कोई भी एसेट्स आपके पास होगा वो क्या आपका अपने पैसा के बराबर होगा, चाहे जितना कर्ज लिए उसके बराबर होगा, सिंपल सा बात है। और साहब ये एसेट्स आपका रिसोर्स है, आपका प्रॉपर्टी है, ये आपका रिसोर्सेस है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर कौन कौन सा ऑडिशन हम लोग पढ़ लिए थे। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैपिटल इंक्रीज करवाए थे और एसेट्स में कैश इंक्रीज हुआ, इक्वेशन बराबर। राम स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक लोन, लाइबिलिटी इंक्रीज किया और एसेट्स में कैश इंक्रीज किया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बराबर। राम स्टार्टेड बिजनेस विद ओन कैश अलोंग विद द बैंक लोन, कैपिटल इंक्रीज किया, लाइबिलिटी इंक्रीज किया, दोनों को सम अप कर दिए, एसेट्स में कैश इंक्रीज किया। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में परचेज किए हैं, एसेट्स में स्टॉक आया, एसेट्स में स्टॉक आया और कैश क्या हुआ, माइनस हुआ। एसेट्स में स्टॉक आया और कैश क्या हुआ, माइनस हुआ। और आज का टॉपिक, आज का ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट, उधारी में परचेस किए। क्या चीज परचेस किए बता, उधारी में परचेस किए हैं। चलो देखते हैं, उधारी में परचेस किए हैं तो, उधारी में परचेस किए हैं तो परचेस गुड्स कॉस्टिंग 30,000 ऑन क्रेडिट, इसको और क्या लिख सकते हैं, परचेस गुड्स कॉस्टिंग, परचेस गुड्स फॉर कॉस्टिंग रुपीज 30,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से परचेस किए। तो जो नाम दिया हुआ, जब नाम दिया होगा तो आपको समझ जाना है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या है बताइए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, याद रखिएगा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कुछ परचेस, सामान परचेस किए हैं तो हमारे हमारे पास क्या आया, स्टॉक आया, कैश में करते तो एसेट में ही माइनस करते, पता चला उधारी में परचेस किए, क्रेडिट में परचेस किए तो साहब हमारा लाइबिलिटी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। उबी के लाइबिलिटी में क्या चीज, क्रेडिटर, लाइबिलिटी में क्या, क्रेडिटर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आप, ट्रांजेक्शन नंबर सिक्स, क्या सिक्स है, ट्रांजेक्शन नंबर सिक्स, परचेज परचेज इज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 फॉर कैश, कैश में परचेस किए एंड 20,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट में परचेस किए, क्रेडिट में परचेस किए, क्लियर।
साहब जी इक्वेशन देख लीजिए, साहब जी इक्वेशन देख लीजिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, इक्वल टू एसेट्स, इक्वल टू एसेट्स। अब ये देखिए कैश में कितना खरीदे हैं 30,000, उधारी में कितना खरीदे हैं 20,000, यानी कुल कितना परचेस किए 30 + 20, 50,000 हम परचेस किए, साथ एसेट्स में प्लस कर देंगे 50,000। क्या राकेश सर? स्टॉक, स्टॉक। और हमारे पास से नगद कितना हम खरीदे 30,000 माइनस 30,000 का कैश, कैश। उधारी कितना परचेस किए 20,000, ये हो गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। अब इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन देख लीजिए, ये देखिए साहब लेस कर दिए, इधर 20,000 इधर 20,000, साहब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, राइट। फिर से ट्रांजेक्शन को देख लीजिए, आप परचेस गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर कैश, कैश में 20,000 क्रेडिट, तो कुल सामान कितना है 50,000, स्टॉक को प्लस कर दिए 50,000, प्लस कर दिए 50,000 एट एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे एड कर, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे, राइट। आगे चलो, हां सर चलिए नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 7। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 25,000। अच्छा ये बताओ, ये कैश ट्रांसफर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नाम दिया हुआ है नहीं, कैश क्रेडिट लिखा हुआ है नहीं, तो इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, राइट। ये क्या बताओ? कैश ट्रांजेक्शन, क्लियर? हां सर क्लियर तो है। अब आगे बढ़ते हैं, और सर और क्या हो सकता था? ये देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 25,000 फॉर कैश, फॉर कैश, तो भी कैश ट्रांजेक्शन। सर और क्या हो सकता था? ये देख लो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 25,000 फ्रॉम मोहन,
किससे कर दे? मोहन से। और इसी में लिखा हुआ है फॉर कैश फिर कैश ट्रांजेक्शन, फिर कैश ट्रांजेक्शन। साहब ये हम लोग का अकाउंटिंग वेशन सीखिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, इक्वल टू एसेट्स। अब ये बताओ सामान कितना का सोल्ड करें? 20,000 का। कितना में सोल्ड करें? 25,000 में। तो साहब माइनस हो गया 20,000 का स्टॉक, राइट? क्या माइनस हो गया? 20,000 का स्टॉक माइनस हो गया, 20,000 का स्टॉक माइनस हो गया। तो माइनस 20,000 आपका स्टॉक, और पैसा आया है क्या? हां सर आया है। कितना? 25,000। क्या आया है? कैश। कुछ फायदा हुआ है क्या? खुशी हुआ है मालिक को? हां सर फायदा हुआ है 5,000 का। तो फायदा किसको हुआ? मालिक को। मालिक खुश होगा, मालिक को दे दीजिए फायदा। मालिक मतलब कैपिटल प्लस व्हाट? 5,000। ये हमारा क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लाइबिलिटी जीरो। अब इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्त, साहब जी इधर भी 5,000 और इधर भी 5,000। देख लीजिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है कि नहीं, बिल्कुल बताइए है कि नहीं? हां सर है। तो बढ़िया, एक इक्वेशन और देख लीजिए। इक्वेशन और देख लीजिए, एट एट। साहब जी सोल्ड गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000। कितना का सामान बेच रहे? 40,000 का सामान बेच रहे। बढ़िया साहब जी एट रुपीज 38,000 बेचना पड़ रहा है हमको, लॉस हो रहा है हम लोग को, लॉस हो रहा है टू मोहन। किसको बेच दिए? मोहन को। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि सर ये ट्रांजेक्शन है कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश की क्रेडिट। तो नाम दिया हुआ है ना, नाम दिया हुआ है ना, तो साहब ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या हो गया हमारा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन इसका क्या इक्वेशन होता है। ये देखो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू व्हाट? एसेट्स, इक्वल टू एसेट्स। क्लियर? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू व्हाट? एसेट्स। अब ये देखो सामान बेचे, कितना का सामान बेचे? 40,000 का सामान आप सेल किए, माइनस 40,000 क्या चला गया? स्टॉक चला गया। पैसा कितना आ रहा है? 38,000। पैसा रख उधारी, उधारी है ना, एक नया चीज उधारी है साहब, तो एक नया चीज साहब डेटर, डेटर्स। जिसे पैसा आपको लेना है, डेटर इज अ पर्सन और अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टी टू हूम
we sell goods on credit and yet the payment is not received. It is to be receivable in future. तो साहब लॉस कितना का हो गया? माइनस 2000 का हमको लॉस हो गया जी। अब ये देखो, इधर भी माइनस 2000, इधर भी माइनस 2000। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, देख लीजिए व्हाट RHS। आई बात समझ में? तो हम लोग परचेस ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़े, सेल ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़े, हो जाएगा? आप देख लीजिएगा कितना ट्रांजेक्शन हो गया, 8 ट्रांजेक्शन हो गया, क्लियर? नेक्स्ट और ट्रांजेक्शन लेते हैं। नाइन सिंपल ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी, या साहब पेड रेंट, या साहब पेड कमीशन रुपीज 5,000। पेड किए साहब जी, इक्वेशन कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू व्हाट एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। अब ये देखो, पेड किए हैं ना, पेड किए हैं तो माइनस 5,000 मेरा कैश बैलेंस से निकल गया, कैश बैलेंस से मेरा निकल गया 5,000। कुछ आया? सर्विस आया बाबू। जब भी पैसा पेड करोगे और सर्विस अवेल्ड करोगे, एक्सपेंस बोलते हैं बाबू, जब जब पैसा पेड करोगे सर्विस अवेल्ड करोगे एक्सपेंस बोलते हैं। तो साहब एक्सपेंस होता है, मन दुख होता है, कैपिटल चला गया आपका, क्या चला गया? कैपिटल चला गया, एक्सपेंस। लायबिलिटी जीरो, इक्वेशन देख लीजिए साहब, इधर माइनस 5,000, इधर भी माइनस 5,000, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। एक इक्वेशन और देख लीजिए, ट्रांजेक्शन नंबर 10, रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन रुपीज 500, रुपीज 500। इक्वेशन देख लीजिए, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, कमीशन हमको मिला ना, कमीशन मिला ना, यानी कैश आया हमारे पास 5,000। और फिर आप देख लीजिए, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड किए, आपको पैसा मिला, आपके लिए इनकम, अमाउंट पेड फॉर द सर्विस प्रोवाइड इज नोन एज इनकम। तो साहब हमारे पास कैश आया, कुछ गया? नहीं सर, खुशी हुआ। 5,000 व्हाट प्रॉफिट में, लायबिलिटी जीरो,
इक्वेशन देख लीजिए, इधर भी 500, इधर भी 500, साजी LHS इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS, राइट, क्लियर। तो यहां तक 10 ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन को भी याद कर लीजिएगा, उसका इफेक्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होता है उसको भी आप देख लीजिएगा। कल कुछ एडवांस ट्रांजेक्शन हम लोग सीखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर लिखता पेड बाय चेक, कैश से पेड कर दिए, चेक से पेड कर दिए, तो साहब यहां कैश की जगह पे क्या होता, बैंक बैलेंस माइनस होता, क्या माइनस होता, बैंक बैलेंस माइनस होता, जो एडवांस कर लोग सीखेंगे, क्लियर। तो आपका होमवर्क क्या रहता है आज भर के लिए, 10 ट्रांजेक्शन याद कर लेना है, ठीक है, और दोस्तों का इफेक्ट क्या करना है अकाउंटेशन में देख लेना है, राइट। आज का क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, चलो विश गुड टाइम।